नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नागपुर T20 में टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर गजब की जीत हासिल की। टीम इंडिया ने जबरदस्त ड्यू के बावजूद बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर नकेल कसते हुए 30 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बेहद खुश दिखे। हालांकि मैच के बाद टीम इंडिया के लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एक पल के लिए हैरान कर दिया। दरअसल नागपुर T20 के बाद यजुवेंद्र चहल पर टीम इंडिया के खिलाड़ी ने ही हमला कर दिया। घबराए नहीं, यजुवेंद्र चहल पर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हमला नहीं हुआ है। दरअसल रविवार को टीम इंडिया की जीत हासिल करने के बाद रात 12 बजे संजू सैमसन का जन्मदिन मनाया गया। संजू सैमसन आज 25 साल के हो गए हैं और इसी मौके पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में उनका केक काटा गया। केक कटिंग सेरेमनी के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बेहद खुश थे, लेकिन इसी बीच संजू सैमसन ने यजुवेंद्र चहल के मुंह पर केक दे मारा। संजू सैमसन ने यजुवेंद्र चहल पर हमला टीम इंडिया के खिलाड़ियों के कहने पर ही किया था। संजू सैमसन और टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों ने प्लान बनाया था कि केक काटने के बाद सभी खिलाड़ी इधर हो जाएंगे और फिर यजुवेंद्र चहल के मुंह पर केक मारा जाएगा। आप इस बात को वीडियो में देख भी सकते हैं। ये बात चहल को नहीं पता थी और जैसे ही सैमसन ने केक काटा सभी खिलाड़ी पीछे हो गए और केक के सामने खड़े यजुवेंद्र चहल पर सैमसन ने केक दे मारा। इस मजेदार घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से संजू सैमसन यजुवेंद्र चहल के मुंह पर और इस घटना का पूरा वीडियो संजू सैमसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।